स्वागत की कड़ी यहीं पे समाप्त की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार संगम राजबहादुर जी, अरे राजीव भाई थोड़ा फैलवा दीजिए, फैलवाइए, ये ब्लैक वाले खड़े, ब्लैक के लिए जगह खाली कर दें। माताएं बहने जहाँ जगह मिलती है, कुर्सियां उधर खाली है, कुछ कुर्सियों को मैनेज कर दीजिए। जन अधिकार पार्टी के वॉलंटियर से मेरा अनुरोध है, अनिल कुशवाहा जी अपना माला लेकर के आ जाए। नमस्ते अनिल कुशवाहा जी, बढ़िया सर, और ठीक है आप? जो लोग आप लोग अपना स्थान लेकर के बैठ जाए। माता सावित्री बाई फुले की तस्वीर भेंट करेंगी अनिल कुशवाहा। सड़क पश्चिमी से बहुत सारे साथी माताएं बहने आई हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन है। सब लोग जो है अपना अपना स्थान ग्रहण सम्मेलन, अगर आप इसको अपने कैमरे में दिखा पाए तो इसमें लिखा है जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन। भाईचारा बनाओ सम्मेलन का मकसद है कि देश के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अकलियत हैं, जिनको आज़ादी के 74 साल बाद भी जो संविधान में हमें अधिकार प्राप्त हैं वो नहीं मिले हैं, तो अगर हम वो अधिकार लेना चाहते हैं तो हम भाईचारा बना के एक झंडे के नीचे जन अधिकार पार्टी के नीचे आ जाएं और अपने वोट का जन अधिकार पार्टी के पक्ष में प्रयोग करें और अपने नुमाइंदे चुन करके विधानसभा में भेजें जहां से हमें हक अधिकार मिल सकते हैं। आप कौसाम्बी के सिराथू विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य जनपद में और जस्ट बगल में ही वो आए हैं, एकाएक आना उनका आपका आना कुछ राजनीति कर जा रहे हैं? नहीं, उनका गृह जनपद है, वो यहाँ से यहाँ के रहने वाले हैं, वो आए होंगे। मेरा आना उनके आने में कोई मतलब नहीं है। मेरा कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था, हमारी पार्टी का ये प्रोग्राम था, हमारे साथियों ने रखा था, तो मैं आया, उनके आने जाने से मेरा कोई लेना किस पार्टी से संबंध है? के हत्यारों को अब तक सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार करा पा रही है? किसके? मनीष गुप्ता, गोरखपुर में, जिसकी गोरखपुर में हत्या कर दी गई। देखिए, मनीष गुप्ता जी की जो हत्या हुई है उस पे नाम पुलिस का आ रहा है, गोरखपुर की घटना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। मुझे ऐसी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि वो ज़रूर कार्रवाई कराएंगे और करनी ही चाहिए कार्रवाई। निर्दोष आदमी को, व्यापारी थे बेचारे, वो उनकी हत्या कर दी गई, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सरकार से चाहूँगा कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो। गठबंधन को लेकर चर्चा आप कर रहे थे? हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे साथ कृष्णा पटेल जी हैं, बाबूराम पाल जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ऐसे हम 7-8 पार्टियों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और हम भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से पूरी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। आज यहाँ पर विधानसभा की आपने घोषणा की? हाँ, हमने यहाँ से विधानसभा सिराथू पे, जहाँ पे हम ये सभा हो रही है, राजेश कुशवाहा जी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, जो हमारी जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, उनको हमने सिराथू से कैंडिडेट घोषित किया और हमारे जो लखन राजपासी जी हैं वो भी प्रदेश महासचिव हैं, उनको हमने मंझनपुर से प्रत्याशी घोषित किया। विधानसभा छोड़ दिया हमने, चाहे उसको भी घोषणा करेंगे, उसकी भी घोषणा बड़ी जल्दी करेंगे।